हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एजु इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन फिशेज। अगर हम देखें वर्टिब्रेट्स में, यहां पर जो हम लोकोमोशन डिस्कस करेंगे वो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। और इन वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले एवोल्यूशन जो हुई थी वो फिशेज में हुई थी। फिशेज से फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, यानी जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके अंदर अडाप्टेशन आती गई हैं, तो उसी लिहाज से हम उनकी लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन बेसिकली वाटर में होती है, एयर में या टेरेस्ट्रियल। यहां पर जबकि हम बात कर रहे हैं फिशेज की, तो हम देखेंगे लोकोमोशन इन वाटर। रिवर्स में या फॉर एग्जांपल ओशन में लोकोमोशन जब होती है फिशेज की, इसके दो ड्रॉबैक्स होते हैं। एक तो वाटर जो है वो ड्रैगिंग, वाटर की ड्रैगिंग फोर्स, और सेकेंड फ्रिक्शन जो काज होती है उनकी मूवमेंट से। ड्रैगिंग फोर्स क्या होती है कि अगर फिशेज जो है वो मूव कर रही है, यहां से वाटर जो है उस पर फोर एग्जर्ट करेगा, और वो क्या, वो ड्रैगिंग फोर्स उसे हम नाम देंगे, और वो क्या करेगा, फिश को बैकवर्ड पुश करेगा। जब इससे, यानी इससे इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, टफ हो जाएगी। सेकंड क्या है कि जब वाटर उस पर फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन काज होती है, और फ्रिक्शन जो है वो इसकी स्किन के लिए क्या हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है। तो इसके लिए फिशेज की जो अडॉप्टेशंस है, नेक्स्ट हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली अडॉप्टेशन है स्ट्रीम लाइन बॉडी। स्ट्रीम लाइन यानी टैपर्ड, यानी फिशेज की बॉडी इस तरह से होती है। ये क्या है, फिन्स। इनकी टाइप ऑफ फिन्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। है ये क्या है, इसे हम नाम देते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी का। ये क्या है, टेपर्ड एंड है। इससे क्या होता है, जब वाटर इस पे ड्रैगिंग फोर्स एग्जर्ट करता है, तो इसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी की वजह से ये क्या करती है, उसको ड्रैग फोर्स को के रिएक्शन में फॉरवर्ड मूव करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर इसकी स्किन में फिन्स के अलावा ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते, तो इससे क्या हो सकता था, उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती। लेकिन क्या है, फिशेज की बॉडी पे फिन्स के मोस्टली 2 to 3 पेयर्स होते, डॉर्सल, वेंट्रल, पेल्विक और पेक्टोरल, यानी 2 से 3 पेयर जो है टोटली फिन्स के होते हैं। इससे क्या होता है, ये भी उसकी स्ट्रीम लाइन बॉडी को मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट, इसमें दूसरा ड्रॉबैक हमने देखा था फ्रिक्शन का। अगर हम डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल लें, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं, एक तो फ्रिक्शन को कम करते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑयली कंपाउंड होते हैं। अब फिशेज के अंदर इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या अडॉप्टेशन होती है, इनकी बॉडी पे एक तो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, स्केल्स, और ये स्केल्स क्या करते हैं, ऑयल सिक्रीट करते हैं। ऑयल सिक्रीशन क्या करते हैं, एक्ट एज लुब्रिकेंट।
दैट हेल्प्स टू डिक्रीज फ्रिक्शन. और ये जो स्केल्स ऑयल रिलीज करते हैं, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सुडेशन का. सो एक्सुडेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑयल सेक्रीशन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रिक्शन. तो ये थी इसकी अडॉप्टेशंस. पहली क्या थी, स्ट्रीमलाइन बॉडी टू अवॉइड ड्रैगिंग फोर्स. एंड सेकेंड वन वॉज ऑयली स्किन टू अवॉइड फ्रिक्शन. और डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, रिलीज ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन. इसकी लोकोमोशन कैसे होती है फिशेज के. फिशेज में लोकोमोशन बेसिकली, अगर ये डायग्राम देखें, ये क्या है, इस तरह से मूव हो रही है. नहीं, ये फर्स्ट स्टेप है, इसीलिए इसकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं एस बैंड लोकोमोशन का. ये एस स्ट्रक्चर बना रही. इसी तरह से अगर हम ह्यूमन बॉडी में की एग्जांपल लेते हैं, हुमन्स में अगर देखें फास्ट रनिंग के लिए, आर्म्स का कोई स्पेसिफिक रोल नहीं होता ना रनिंग में ना वॉकिंग में. लेकिन क्या है कि अगर आर्म्स को हम बाउंड करते हैं और उसके बगैर अगर हम जो है वो रनिंग कर, ह्यूमन जो है वो रनिंग करता है या वॉकिंग करता है, ये क्या होगा, आर्म्स का बेसिक पर्पज क्या होता है, टू सपोर्ट बॉडी, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी. तो अगर आर्म्स मूव नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, उसकी जो लोकोमोशन होगी या रनिंग होगी वो क्या होगी, अफेक्ट होगी. बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रह सकेगा, जिससे वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म बैलेंस मेंटेन नहीं रखेगा तो वो क्या होगा, गिर जाएगा. इसी तरह फिशेज के अंदर ये फिन्स जो हैं, ये एज आर्म एक्ट करते हैं, यानी इसको क्या कर रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं. और बेसिक इसमें जो मूवमेंट होती है वो होती है ड्यू टू यूजेज ऑफ ट्रंक. यानी सिर्फ ट्रंक को यूज करते हुए इसमें मूवमेंट हो रही है. जितने भी ऑर्गेनिज्म ट्रंक को यूज करते हुए मूव करते हैं, उनकी जो मूवमेंट होती है वो होती है zigzag fashion. अगर हम लिजर्ड की एग्जांपल लेते हैं, स्नेक की, तो इनकी मूवमेंट भी जो है वो zigzag fashion में होती है. यानी ये इस तरह से मूव करते हैं, ये स्ट्रेट मूव नहीं कर सकते. तो एस बैंड लोकोमोशन क्या है, इनको ट्रंक को यूज करते हुए जब ये मूव करती हैं किस तरह से, एस फॉर्मेट में, जिग जैग फैशन में, तो इस लोकोमोशन को हम क्या नाम देते हैं, एस बैंड लोकोमोशन. नेक्स्ट है रोल ऑफ फिन्स. फिन्स क्या है, बेसिकली एक्ट एज आर्म्स. लोकोमोशन को हमने देखा कि वो इसमें क्या होती है, फिशेज में एस बैंड लोकोमोशन होती है. इसमें भी इस लोकोमोशन में ओवरऑल फिन्स का रोल क्या होता है. फिन्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड. पेयर्ड में आते हैं पेल्विक फिन्स और पेक्टोरल फिन्स. पेक्टोरल फिन्स यानी अगर हम ह्यूमन में एग्जाम्पल लेते हैं, शोल्डर पार्ट यानी अपर पार्ट, और पेल्विक यानी ट्रंक. यानी इनके जो फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, ट्रंक में, और पेक्टोरल फिन्स नियर टू द हेड, हेड साइड यानी या अपर साइड ऑफ द बॉडी. ये पेयर्ड है यानी क्या होगा,
पेयर ऑफ फिन्स, इज प्रेजेंट देयर. सेकेंड है अनपेयर्ड. अनपेयर्ड यानी ये पेयर की फॉर्म में नहीं होते, सिंगल होते हैं. इसकी दो टाइप्स हैं, डॉर्सल एंड कॉर्डल. डॉर्सल में डॉर्सल और वेंट्रल दोनों पार्ट्स आते हैं. डॉर्सल यानी अगर हम ह्यूमंस में देखें, बैक साइड जो है वो डॉर्सल है और एब्डोमिनल पार्ट जो है साइड्स को हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल. तो फिशेस के अंदर भी अगर हम देखें, ये फिन्स हैं, ये पेयर की फॉर्म में. ये क्या है, हमने देखा था कि जो बॉडी के अपर पार्ट में प्रेजेंट हैं वो कौन से हैं, पेक्टोरल फिन्स. और ट्रंक में जो प्रेजेंट है उनको हमने नाम दिया था पेल्विक फिन्स. अब आपने देखा कि अनपेयर्ड फिन्स जो है वो क्या है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, यानी एक या इस साइड पे और इसके अपोजिट साइड पे जो एक प्रेजेंट होगा, यानी यहाँ पर भी एक सिंगल फिन है और दूसरी साइड पे भी, वेंट्रल साइड पे भी एक सिंगल फिन होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन. नेक्स्ट है कॉर्डल फिन्स, इनको नाम देते हैं हम टेल फिन्स भी इनको कहते हैं. ये जो पार्ट है ये क्या है, कॉर्डल फिन्स. अब जब वाटर को जब ड्रैग करी होती हैं फिशेस, यानी यहां से वाटर के अंदर मूव करी है, वाटर को ड्रैग करती हैं साइड्स पे और इन रिएक्शन वाटर इनको फॉरवर्ड मूव करता है, तो ये टेल फिन्स का फंक्शन क्या है, बेसिकली टू ड्रैग वाटर आउटवर्ड. यानी जिस तरफ को फिशेस मूव कर रही हैं उससे कि अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को ये क्या करता है, ड्रैग करता है और इन रिएक्शन इनकी मूवमेंट होती है फॉरवर्ड. नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं रोल ऑफ स्विम ब्लैडर. स्विम ब्लैडर क्या होता है, फिशेस की बॉडी के अंदर ये क्या थे, कॉर्डल फिन्स एंड दीज आर पेक्टोरल फिन्स, डॉर्सल और वेंट्रल फिन. इनका रोल हमने देख लिया. अब हम ये देख रहे हैं कि इसकी बॉडी के अंदर स्विम ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है. ये स्विम ब्लैडर इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, ये एक ऑर्गन है. ये मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करता है, हेल्प्स टू मूव यूजिंग ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा, फिशेज जो हैं वाटर इनटेक कर, सॉरी एयर इनटेक. अभी स्विम ब्लैडर के अंदर जब एयर फिल हो जाएगी तो इसका वेट क्या होगा, लाइटर वेट हो जाएंगी. लाइटर वेट होंगी तो ये क्या होंगी, सरफेस पे मूव करेंगी. और इसके बाद जब ये दोबारा से उसको एयर रिलीज कर देंगी तो इन रिएक्शन ये क्या करेंगी, इनवर्ड मूव करेंगी. ये था स्विम ब्लैडर का रोल फिशेस की लोकोमोशन में. इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं azuinput.com.